अपने प्रत्याशी को हाँ भाजपा से टिकट दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं हाँ और भाजपा पार्टी से हमने मांग रखी ठीक है, हम भाजपा पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। ठीक है भाई, इस बार सामान्य में सीट आई है, यदि हमें सामान्य में मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर कब दिया जाएगा? हम कब लड़ेंगे? हम तो हमेशा पार्टी को वोट ही देते आ रहे हैं, हमें कभी कुछ पार्टी ने दिया नहीं। हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो प्रिय प्रत्याशी है, जनप्रिय है अमित बंसल, उसे टिकट देकर हमें अनुग्रहित करें। मेरा इसके लिए कहना है, कभी तो सीट ओबीसी में आ गई तो जी वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, कभी ओबीसी में आ गई तो वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व अब के सामान्य है, और यदि अब के भी भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज को टिकट नहीं देगी तो टिकट कब देगी? हमारी पुरजोर मांग है। और कुल मिला के हमारे कस्बे में तो लोग हिम्मत भी नहीं करते चुनाव लड़ने की, और मैं तो अमित बंसल को बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, वो हिम्मत कर रहा है और पूरा व्यापारी वर्ग उसके साथ है, और हम सब लोग इसके साथ हर तरह से तन मन धन से इसे जिताएंगे। जी व्यापारियों का सम्मान चाहिए हमें कोई भागीदारी नहीं मिलती। कस्बे में आपके चेयरमैन पद के उम्मीदवार के लिए किसी व्यापारी भाई अमित भाई जो लड़ना चाह रहे हैं उन्हें टिकट मिलना चाहिए। नेतृत्व को सोचना चाहिए कि व्यापारियों की भी कोई वैल्यू है, व्यापारी हमेशा वोट देता है, इसको भी आपके मौका मिलना चाहिए। तो आप पुरजोर जो है समर्थन करते हैं जीत के लिए? हम समर्थन करते हैं और नेतृत्व को चेताते भी हैं कि अगर टिकट नहीं दिया तो आपके अगले चुनाव में हम कुछ इसके बारे में सोचना भी पड़ेगा व्यापारियों को। यानी 2024 की बात कर रहे हैं? हाँ जी, धन्यवाद। मैं एक व्यापारी पवन कुमार सिंगल कस्बा अमीर नगर सराय का रहने वाला हूँ और भारतीय जनता पार्टी में भी मैं सदस्य हूँ। मैं अमित बंसल को टिकट देने की दिलवाने की मांग करता हूँ। 20 साल से हमारे कस्बा अमीर नगर सराय में व्यापारियों को कोई टिकट नहीं दिया गया, इसलिए आप जो है अमित बंसल को टिकट देकर हमें अनुग्रहित करें। क्या बात?